ए लवली सिंह, चल बराबर साफ कर, कांच एकदम चमकना चाहिए, मेरी शक्ल दिखनी चाहिए उसमें। अरे दोस्तों, आप लोग आ गए क्या? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्टिक जोन, आपका GDFI के कमाल के एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिन से घर की सफाई नहीं हुई थी और लवली सिंह भी फ्री बैठा रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना लवली सिंह से ही काम कराया जाए, तो मैंने इसको कांच साफ करने के लिए रख दिया। अरे उस्ताद जी, देखिए ना, ये कांच बराबर तो साफ हुआ है ना, या फिर मैं इसे और चमका दूं? अबे लवली सिंह, तू इसे सफाई करना बोलता है, इसमें तो मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही है, इसको अच्छे से साफ कर। अरे उस्ताद जी, आपकी शक्ल तो बहुत ही काली है, इसमें क्या आपकी शक्ल तो किसी में भी नहीं दिखेगी। अबे लवली सिंह, एक बात बता, तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही बोलने लग गया है? नहीं उस्ताद जी, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। क्या नहीं लगता बेटे, आजकल तू बहुत बोल रहा है, तू भी आजकल सिंचन बनने लग गया है। अरे सॉरी उस्ताद जी, गलती हो गई, माफ कर दो। हाँ ठीक है, किया माफ, अगली बार से ध्यान रखना। और वैसे एक बात बता, ये सिंचन किधर है? छोटे उस्ताद जी, थोड़ी देर पहले तो इधर ही था और बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। ठीक है, तू अपना काम कर, मैं चॉप से पूछता हूँ, शायद उसे कुछ पता होगा। हेलो मेरे प्यारे चॉप, अरे यार ये सुबह सुबह क्या देख लिया? अबे चॉप, तू कितना टट्टी करेगा, टट्टी कर करके पूरे घर को सड़ा दिया है तूने। खाना तो डेटा नहीं है, बिना खाए मैं टट्टी कर रहा हूँ, तो इसमें भी इसे प्रॉब्लम हो रही है। अबे चॉप, एक बात बता, तू इतनी सारी टट्टी निकालता है कहाँ से? वाह वाह, जहाँ से तू निकालता है वहाँ से, वाह वाह। अरे चॉप, तू गंदी बात मत कर। वाह वाह, तो चालू किसने किया? वाह। अरे चॉप, एक बात बता, तूने सिंचन को देखा है क्या? वो अभी बाहर गया था और वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। अजीब हरकतें? अरे लवली सिंह भी यही बोल रहा था, तू भी यही बोल रहा है, सिंचन का हुआ क्या है? ओहो फ्रेंकल भैया, मैं आ गया, आप किधर हो? आप पानी के अंदर हो क्या? अरे फ्रेंकल भैया, आप किधर हो? ओहो फ्रेंकल भैया तो पानी में है ही नहीं, चलो बाहर देखता हूँ, शायद फ्रेंकल भैया बाहर ही होंगे। ओहो फ्रेंकल भैया, आप इधर हो, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। अरे सिंचन, तू सुबह से था कहाँ? मैं तुझे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। और ये लवली सिंह और चॉप क्या बोल रहा है? तू सुबह से बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। अरे ये गमला किसने रख दिया? अरे फ्रैंकल भैया, अरे फ्रैंकल भैया, आप तो बहुत साल बाद मिले, आप इतने साल कहाँ थे? सालों बाद मिला हूँ तुझे, अबे रात को साथ में ही तो सोए थे और तू सुबह उठ के जल्दी कहीं चला गया। नहीं नहीं, आप तो मुझे 10 साल बाद मिल रहे हो। पर उस्ताद जी, आप तो 5 साल के हो ना। अबे सिंचन, ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, तुझे क्या हो गया है? एहो लवली भैया, आज तो मैं लीली दीदी को बता के रहूंगा कि आप उन्हें लाइन मारते हो। अबे सिंचन, ऐसा भूल के भी मत करना, वरना मेरे वाट लग जाएगी। और सिंचन एक बात बता, ये तेरे मुंह से स्मेल कैसी आ रही है? एहो, अरे फ्रैंकल भैया, मैंने तो वो जूस पिया था, वो जूस पी के मुझे बहुत ही मजा आ गया। एहो, और थोड़ी देर बाद मेरा सर घूमने लगा और मुझे बहुत ही मजा आया फ्रैंकल भैया। और ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा। अबे सिंचन रुक, कहाँ जा रहा है तू? अरे उस्ताद जी, छोटे उस्ताद जी तो चले गए। अबे लवली सिंह, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार, मुझे लगता है कि सिंचन ने मेरी रखी हुई दारू पी ली है। अरे अब क्या करेंगे उस्ताद जी? लवली सिंह, हमें फटाफट सिंचन के पीछे जाना होगा और उसे ढूंढना होगा, ताकि वो कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। हाँ उस्ताद जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, चलो फटाफट चलो सिंचन को ढूंढते। अरे लवली सिंह, पता नहीं ये लड़का कहाँ गया होगा, इतने बड़े लॉस सेंटोस में अभी से हम कहाँ ढूंढे। अरे उस्ताद जी, इन भाई साहब से पूछते हैं। अरे भाई साहब, आपने किसी छोटे बच्चे को देखा क्या? उसने रेड टी शर्ट पहनी थी। अरे वो बच्चा तो अभी थोड़ी देर पहले इधर से निकला है। थैंक यू सो मच भाई साहब, चलो उस्ताद जी वो आ गई होगा। अरे लवली सिंह देखो, वो रहा सिंचन, चलो फटाफट। छोटे उस्ताद जी। अबे ओ सिंचन, तू इधर क्या कर रहा है? ओहो फ्रैंकल भैया, आज आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। अरे बड़े उस्ताद जी, ये छोटे उस्ताद जी की तबीयत तो बहुत ही खराब है, ये आप जैसे काले कलूटे इंसान को भी हैंडसम बोल रहा है। अबे लवली सिंह, तू अपना मुंह बंद रख। ठीक है उस्ताद जी, जैसा आप कहें। सिंचन बहुत हो गया तेरा नाटक, चल अब घर चल। ओहो फ्रैंकल भैया, आज मैं घर नहीं आऊंगा, आज तो मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, बाय बाय। अबे लवली सिंह फटाफट भाग, सिंचन वापस भाग गया। उस्ताद जी मैं आ रहा हूँ। अबे ओ सिंचन, तू पागल वागल तो नहीं हो गया ना, बार बार भाग क्यों जाता इधर से? एक तो तूने दारू पी ली, ऊपर से नाटक कर रहा है। अरे बाबा, अरे तुम लोग सामने से हटो ना, रास्ता जाम करके रखा, निकलो यहाँ से। अरे अंकल आंटी, थोड़ी देर तो रुक जाओ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हम इस छोटे बच्चे को समझा रहे हैं। अरे उस्ताद जी, ये पुलिस क्या कर रही है इधर? अरे सर, आपको पता चला क्या इसको किसने मारा है? जब से हम इधर आए ये लाश इधर ही पड़ी है। अरे पता तो नहीं चला, पर पता लगा लेंगे। अरे फ्रैंकल भैया, इसे तो मैंने ही उड़ाया था अपनी गाड़ी से। क्या बोला? अरे ये बच्चा क्या बोल रहा है? अरे सर कुछ नहीं, इसकी मजाक करने की आदत है। मजाक तो ठीक है, हम लोग चलते हैं इंक्वायरी करने के लिए, तुम लोगों को फिर बुलाएंगे।
अबे सिंचैन तू पागल तो नहीं हो गया? अगर तूने इसे उड़ाया था तो जब मैं पुलिस को फोन कर रहा था तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे भैया वो तो मजा करने के लिए। अरे लवली सिंह ये तो आज पागल हो गया, इससे पहले ये कुछ और हरकतें करे हमें इधर से निकलना चाहिए। चलो। हाँ उस्ताद जी आपने बिल्कुल सही कहा, चलो निकलते इधर से। अरे उस्ताद जी अच्छा हुआ हम उधर से आ गए, वरना छोटे उस्ताद जी तो पता नहीं क्या क्या कर डालते उधर। हाँ लवली सिंह तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब पता नहीं सिंचन की कब उतरेगी और सिंचन कब पहले जैसा होगा। अरे फ्रिंगल भैया एक बात तो बताओ, ये आसमान नीला क्यों है? देख सिंचन अब मेरा दिमाग मत खराब कर, तूने सुबह से मेरा दिमाग का भाजी पाव कर दिया है। वाँ वाँ ये शरारती बच्चा कहाँ से मिला? वाँ वाँ। अरे फ्रिंकल भैया आपका छोटा भाई घर पे आया है और आपने मुझे बताया भी नहीं। अबे सिंचन ये मेरा छोटा भाई नहीं है, ये अपना डॉग है चॉप। अरे फ्रिंकल भैया ऐसा है क्या? अरे मैं तो आप दोनों की शक्ल देख के कंफ्यूज हो गया था, दोनों की शक्ल बहुत मिलती है ना। अबे सिंचन मेरे भाई चुप कर यार चुप कर, सुबह से तेरी बक बक सुन के मैं एकदम पक गया हूँ। और हाँ एक बात तू सुन, अभी मेरा दोस्त आने वाला है, वो मुझे बहुत ही बढ़िया एक काम देने वाला है, तो तू उसके सामने कुछ मत बोलना। ठीक है फ्रिंकल भैया, आपका दोस्त के सामने मुझे बहुत कुछ बोलना है, मैं समझ गया। अरे यार पता नहीं आज क्या होगा। अरे मारा फ्रैंकलिन दोस्त तुझे क्या समझ में नहीं आ रहा, मुझे बता मैं ठीक करता हूँ तेरी प्रॉब्लम। अरे माइकल तुम कब आए पता ही नहीं चला यार। अरे मैं तो अभी आया, तू बता तू कैसा है? अरे बहुत काला हो गया तू, किसी की नजर लग गई क्या तेरे को? फ्रैंकलिन भैया तो इतने काले हैं कि उनको तो नजर लग ही नहीं सकती। अरे फ्रैंकलिन ये कौन है छोटा बच्चा? अरे माइकल ये तो मेरा दोस्त है। दोस्त? अरे वाह पानी तो बहुत ही बढ़िया है, मजा आ रहा है नहाने का, तो एकदम ठंडा ठंडा पानी है। अरे पानी तो ठंडा है और नमकीन ये एकदम स्वादिष्ट लग रहा है। ओहो नमकीन तो लगेगा ही ना, फ्रैंकल भैया रोज इसमें ही सुसु जो करते हैं। अरे फ्रैंकल ये क्या बोल रहा है, तू इसमें सुसु करता है? तूने मुझे सुसु वाले पानी में नहला दिया, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे माइकल गुस्सा क्यों हो रहा है, ये सिंचन की तो मजाक करने की आदत है, पूरा दिन मजाक करते रहता है। साइकिल अंकल फ्रैंकल भैया बोल रहे थे कि वो साइकिल अंकल तो बहुत ही खराब है, वो लोगों से मांग मांग के खाना खाते हैं और मेरा भी खाना छीन लेते हैं। फ्रैंकलिन क्या तू ये सब बोलता है? अरे नहीं साइकिल, अरे मेरा मतलब माइकल, मैं ऐसा क्यों बोलूंगा, मैंने बोला ना सिंचन की मजाक करने की आदत है। अरे क्या रे सिंचन तू इतना क्यों मजाक करता है? अरे साइकिल भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और हाँ एक बार फ्रैंकल भैया ने ऐसा भी बोला था कि मुझे साइकिल की बीवी है ना वो बहुत ही पसंद है। फ्रैंकलिन ये क्या बोल रहा है, तू मेरे लुगाई के बारे में ऐसा बोलता है? तेरी तो आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, आज से मेरे को शक्ल मत दिखाना। और हाँ जो मैं तेरे को बहुत बड़ी डील देने वाला था ना वो भी अब तेरे को नहीं मिलेगी, खत्म आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म, चल निकल यहाँ से तू। अरे सिंचन यार मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि अपना मुंह बंद रखना, तूने तो पूरी की पूरी वाट लगा दी, अब तो माइकल मुझसे कभी बात नहीं करेगा, और जो माइकल मुझे डील देने वाला था अब वो भी कैंसल। अबे सिंचन तेरा क्या होगा? ओहो फ्रैंकल भैया थैंक यू सो मच मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। सिंचन अब बहुत हो गया, अब मुझे तुझे होश में लाना ही होगा वरना तू मेरे ऐसी वाट लगाते रहेगा। एक काम करता हूँ तुझे इसी पानी में गिरा देता हूँ ताकि तेरा पूरा का पूरा नशा उतर जाए, ये ले। ओहो ओहो फ्रैंकल भैया आपने क्या कर दिया? ओहो अरे ये मुझे क्या हो गया था? ओहो फ्रैंकल भैया मैं उस पानी में क्या कर रहा था? अबे सिंचन तूने मेरी दारू पी ली थी और तुझे ना एकदम चढ़ गई थी और तू सुबह से हम सबकी वाट लगा रहा था। ओहो हाँ मुझे याद आया मैंने सुबह कुछ पिया तो था। ओहो अरे ये तो वही चीज है ना जिसे फ्रैंकल भैया पी के बहुत ही खुश होते हैं और रात को बहुत ही मजे से सो जाते हैं। मैं काम करता हूँ मैं भी ये पी लेता हूँ। ओहो अरे ये क्या हो रहा है मुझे, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं और मेरा सर भी भारी हो रहा है। अरे ओहो फ्रैंकल भैया मुझे याद आ गया। हाँ अच्छा हुआ तेरी उतर गई वरना तो तू आज हमारी वाट ही लगा देता था सिंचन। ओहो फ्रैंकल भैया मैं इतना भी खास नहीं। अरे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए बाय बाय।